वेलकम बैक टू आवर चैनल अंजलिस ब्यूटीफुल स्काई, जहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे, फिर वो चाहे ब्यूटी हो, फैशन हो, रिव्यू हो, एंटरटेनमेंट हो, ट्रैवल हो, डांस हो या फिर कुछ और। तो यस, आज हम बात करेंगे हमारे हेयर केयर के बारे में कि हम अपने बालों को और ज्यादा ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी हिबिस्कस पाउडर लगाने के फायदे और वो कैसे अप्लाई करना चाहिए बालों पे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो और यूजफुल लगता है तो प्लीज अपना थम्स अप दे दीजिए गाइस। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, सो दैट कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके लिए वो यूजफुल हो वीडियो तो आप उसे डेफिनेटली देखिए। और यस, अगर आपको लगता है कि वीडियो और किसी के लिए भी काम का हो सकता है तो प्लीज उसे शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यस, ये है वो प्रोडक्ट जो आज मैं अप्लाई करूंगी अपने बालों पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि 100% नेचुरल पाउडर है, जैसा कि इसमें मेंशन है। इसके साथ ही साथ 100% प्योर है, नो एडेड केमिकल है, 100% बायो है। और ये ब्रांड है इंडस वैली का, बायो ऑर्गेनिक का। और ये ब्रांड और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे पाउडर बनाता है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या फिर मार्केट में भी ये हिबिस्कस पाउडर इजीली अवेलेबल है, तो आप मार्केट से जाके भी ले सकते हैं या चाहे तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आज इसको अप्लाई कर चुकी अपने बालों में कर्ड के साथ मिक्स करके। एंड यस, सीरियसली गाइस, के बाद में फील कर सकती हूँ अपने बालों की सॉफ्टनेस, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं मुझे बाल। ऑल्दो मैंने शैम्पू किया है नॉर्मल, उसके बाद कंडीशनर भी यूज नहीं किया है, तो यस मुझे काफी स्मूथ और सिल्की एंड यू नो शाइनी लग रहे हैं मेरे बाल। और हेयर ग्रोथ पे इसका क्या असर होता है और आपके हेयर फॉल को कितना कम करता है वो मैं जस्ट एक एप्लीकेशन के बाद तो नहीं बता सकती उसको। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसको 15-15 डेज के गैप में लगाऊंगी, दैट मीन्स की मंथ में दो बार तो ये हेयर मास्क डेफिनेटली लगाऊंगी। और उसके हिसाब से ये मेरा 3-4 महीने तो आराम से चलना चाहिए। तो उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हेयर ग्रोथ में कुछ फायदा हुआ है और मेरे हेयर फॉल कम हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं अपने किसी ना किसी वीडियो में ये जरूर मेंशन करूंगी कि हिबिस्कस पाउडर लगाने का मुझे क्या फायदा हुआ है। तो उसके लिए आप मेरे सारे वीडियोस प्लीज जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फायदे हैं इसको लगाने के, और उसके बाद मैंने इसे कैसे अप्लाई किया वो दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, सालों से लोग हेल्दी हेयर के लिए इस पे भरोसा करते हैं। हिबिस्कस फ्लावर में होता है अमीनो एसिड और विटामिन सी, जो एक बहुत अच्छी कंडीशनर का काम करता है। इसके साथ ही हमारे बालों को नरिश करके उन्हें सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाता है। ये हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके हेयर फॉल को कम करता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अपनी इन्हीं सारी खूबियों की वजह से हिबिस्कस फ्लावर बालों के लिए एक बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैं कर्ड के साथ हिबिस्कस पाउडर को मिक्स करके अपने बालों पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि हिबिस्कस पाउडर एक बहुत ही ड्राई और भुरभुरा टाइप का पाउडर होता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है। इसलिए आपको उसे किसी न किसी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करना पड़ेगा। आप चाहे तो एग यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर कर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 स्पून ऑफ हिबिस्कस पाउडर ले रही हूँ और एक छोटा कटोरा कर्ड को मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। हिबिस्कस पाउडर को आप चाहे किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर रहे हो, बट ये ध्यान रखिए कि आपको एक स्टिकी और स्मूथ पेस्ट बनाना है, सो दैट कि ये आपके बालों पे अच्छी तरीके से अप्लाई हो सके। तो यहाँ पे इसको और ज्यादा स्टिकी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा और कर्ड मिक्स कर रही हूँ। कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आप बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए ताकि उसमें कोई गांठे ना रहे। अब मेरा हेयर मास्क अच्छी तरीके से बनके रेडी है और मैं इसको अपने स्कैल्प पे इस तरीके से अप्लाई करूंगी। आपको भी इसे अपने स्कैल्प पे और बालों की रूट्स पे अच्छी तरीके से अप्लाई करके फिर हल्के हाथों से ऐसे मसाज करना है, सो दैट कि इसका पूरा फायदा आपके बालों को और स्कैल्प को मिले। बालों के बैक साइड में भी एक एक पोर्शन में आपको इसे अच्छी तरीके से अप्लाई करके हल्के हाथों से मसाज करना है।
अब पूरे बालों पे हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद मैं अच्छी से हेड मसाज करूंगी ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और इस मास्क का पूरा फायदा मेरे बालों को मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिबिस्कस पाउडर बहुत ही ड्राई होता है, तो इस मास्क को बालों पे अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देंगी तो ये घर पर या फिर आपके कपड़ों पर गिरेगा। इसलिए इस मास्क को लगाने के बाद आप अपने बालों को टाई करके उस पर एक शावर कैप लगा सकते हैं या फिर किसी भी और चीज़ से अपने बालों को कवर कर सकते हैं। इससे एक और फायदा होगा कि ये जल्दी ड्राई नहीं होगा और जितनी देर तक कि आपके बालों पे लगा रहेगा उतना ज़्यादा आपको इसका फायदा होगा। तो यस, मैंने इसको लगा के अच्छे से अपने बालों को कवर कर लिया है। अब मैं आफ्टर 20-30 मिनट्स इसको नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लूँगी। देखा आपने कि इस तरह से आपको अपने बालों पे हिबिस्कस पाउडर लगाना है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रेगुलरली लगाएं। अगर आप एवरी वीक ये मास्क लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 15-15 दिन में मंथ में दो बार तो इसको जरूर लगाइए, तभी आपको इसका फायदा पहुंचेगा। एंड डेफिनेटली इतने सालों से लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, एक नेचुरल एक प्रोडक्ट है, नेचुरल इंग्रीडियंट्स है जो हमारे बालों को फायदा पहुंचाता है, तो डेफिनेटली इसका फायदा आपके बालों को हो गई। तो बस गाइज, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो एंड यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपना थम्स अप दे दीजिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए गाइज। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और कभी कभी व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ जब भी मेरा आपसे बात करने का मन करता है। तो मैं अंजलि जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी ब्यूटीफुल, फील ब्यूटीफुल। ओके गाइस, बाय बाय।